ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମୂହ ଗାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର ପିଲାମାନେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ଶର୍ମା ପାଢ଼ୀ ଏବଂ କିଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସଂଘ ସହ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଚାରକ ଜଗଦୀଶ ଖାଡେଙ୍କା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। कार्यक्रम राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता था। ये पूरे देश में हमारा 10 रीजन है, 52 प्रांत है और लगभग 1500 से ऊपर शाखाएं हैं, 1,00,000 सदस्य हैं। तो उसके माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में ये राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जो शाखा से लेकर प्रांत, प्रांत से रीजन, रीजन से राष्ट्र तक जाते हैं। लाखों बच्चे इसमें शामिल होते हैं और उन बच्चों में से कुछ बच्चे उनसे पूरा ये आगे बढ़ते हुए शाखा से प्रांत, प्रांत से रीजन और रीजन से फिर राष्ट्र तक पहुँचते हैं। और इसके पीछे मकसद ये नहीं होता है कि हम ये राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता करवाएं, कंपटीशन करवाएं, उसमें कोई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो। इसका मुख्य जो मकसद है कि हम सारे बच्चे जो इतने सारे जमा होते हैं, अब राष्ट्रीय देशभक्ति गीत गाते हैं, उसके माध्यम से उनके अंदर संस्कार और संस्कृति का समावेश हो। वो किस तरीके से हमारा भारत आज़ाद हुआ है, आज़ाद भारत में हम किस तरीके से आगे बढ़े और आने वाला जो पूरा हमारा भविष्य है उसमें हम कैसे नागरिक बच्चों को बनाएं, जिससे कि हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कार है वो अक्षुण बना रहे। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।